Sagheer Baidar Sb. Sir, abne shuru. Janab Arun Bhatnagar sahab, Janab Keswani sahab, Jabbar Mia sahab, hamare Iqbal Majid sahab. हम लोग एक्चुअली भोपाल के जो बहुत अच्छे किस्म के मुसलमान हैं उनको हम अपने उस पर दिखाना चाहते हैं कि इतनी बार देखें कि ये लोग भोपाल की इज्जत है और आम लोगों को भी ऐसा लगे कि वो भी अच्छे काम करेंगे तो उनको भी एजाज़ मिलेगा. तो ये सोशन जो है वो इसी किस्म की बात करती है. और ये पूरा प्रोग्राम हमारे कन्वीनर हबीब अहमद साहब ने रखा है तो आप इनसे पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. मुझे हबीब अहमद कहते हैं और मैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स का एक पोस्ट होल्डर हूँ. इसके अलावा ये कि इस प्रोग्राम का मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ. ये प्रोग्राम आपने क्यों किया था, किन लोगों का सम्मान किया है? हबीब जो हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने नुमाया तौर पर कामयाबी हासिल की हैं अपने अपने मैदानों में, लिटरेचर के अंदर, मतलब एजुकेशन के अंदर, ये सामाजिक पत्रकार के अंदर, उन लोगों ने जो ज़्यादा खिदमत की उनका हमने इराज़ किया ताकि लोग मालूम हो सके इस फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं खामोशी से. लोगों को मालूम नहीं हो पाता कौन कहाँ काम कर रहा है, कौन कहाँ ना काम कर रहा है. तो हमने उनको एक स्टेज दिया है ताकि लोग महसूस करो, उनमें भी बात देख के जज्बा पैदा हो कि हम भी ऐसे काम करें जिससे कि लोगों का भला हो. उसके एक दो लोगों का नाम बता दीजिए आप और तुम लोगों ने क्या काम किया उनके बारे में बता दीजिए. वैसे अब्दुल जब्बार खान ने देश में विधान का कितना काम किया है, सगीर बैदर साहब ने एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कितना काम किया है आप सोच सकेंगे, डॉक्टर याकूब यावर ने एजुकेशन लिटरेचर में कितना काम किया है, ये फरहान अंसारी हैं ये उन्होंने रिलायंस के लिए कितना काम किया है बराबर कर रहे हैं, ये नासिर कमाल ने खुद पत्रकार में कितना काम किया है. अब आपकी सोसाइटी का मकसद क्या है, लोगों का सम्मान करने का, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते हैं कि लोगों को एक तकवीत मिले उससे पहुँचे ताकि वो भी आगे आएँ और काम करें, जरूरत पैदा हो उसके अंदर ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर और स्पीड पैदा हो, जो लोग काम नहीं कर रहे हैंगे उनमें भी चीज़ों को देखिए जज्बा पैदा हो कि हमें भी काम करना चाहिए जिससे हमारा कौम का मुल्क का भला हो. ठीक है, शुक्रिया. नाम बता अभी अभी बाबा 1200 रुपये महीना, 250 रुपये महीना स्कॉलरशिप था ये, और पूरी अमाउंट जो थी 8-10 हज़ार रुपये साल की थी. 2-3 साल तक ये 10 हज़ार का चलता रहा और खुदा का शुक्र है कि इस साल हमारे अमाउंट जो है 15 लाख पहुँचेगी. किसी पीरियड में कहीं भी हमको इंस्टीट्यूशनल ग्रांट नहीं मिली है, सारा हमने मासेस से मोबिलाइज़ किया है, मुस्लिम मालेस से. तो ये अगर कहा जाए कि अचीवमेंट है तो मेरे जो साथी बैठे हुए हैं उसमें सब शरीक हैं, मैं अकेला अपने आप को नहीं मानता. ये हसन मसूद साहब बैठे हुए हैं और बास साथी हमारे अब इस वक्त मौजूद नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह को प्यारे हो चुके. ये उन सब का मिल का कलेक्टिव अचीवमेंट है जिस पे हम खुदा ताला का शुक्र भी अदा करते हैं और उस पे अपना सीना भी फुलाते हैं.